अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज मैं फ्रेंड की तरफ जा रही थी और ये मैंने ड्रेस निकाला है और काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि हमने उनसे मिलने जाना है। तो ये देखें, ये इस तरह से ड्रेस है, टीप पिंक कलर का, बहुत ही खूबसूरत, समर के हिसाब से फ्रेश कलर था, लाइम लाइट का है, कुर्ता स्टाइल में था, बहुत अच्छा। और आप किसी भी डिनर, लंच या किसी भी गैदरिंग के लिए, कोई टी पार्टी अटेंड करने के लिए पहन सकते हैं। और बहुत, आप किसी से मिलने के लिए आपने जाना है या जो भी आपका पर्पज़ है, तो इस तरह से ये मैंने ड्रेस निकाल लिया। इसके साथ ये एक दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था, लाइनिंग में शर्ट थी और जो है वो चेक्स में दुपट्टा था, ये जनरेशन का दुपट्टा था। इसको बहुत लाइट कलर में मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने ना इसको इसके ऊपर डाई करा लिया। मैंने कहा बजाय इसके कि मैं जो है वो ड्रेस के साथ दुपट्टा अलग से परचेज करूँ, मेरे लिए, मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने इसको करा लिया। साथ में मैंने विक्टोरिया सीक्रेट का एम्ब्रॉयड क्रश ले लिया, मिस्ट बहुत ही अच्छा था और मैं डिफरेंट मिस्ट और जो है वो यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक है। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं कि, और साथ में ये मैंने 479 जो है डोरा की नेल पेंट लगाई थी, बहुत अच्छा कलर है। साथ में मैंने अपनी वॉच रख ली और बहुत लाइट से मैंने इयर रिंग्स ले लिए। और ये देखें, ये मैंने इसके साथ जूता पहना था, सी लाइफ का ये जूता था और ये मुझे इतना रीज़नेबल मिल गया था। ये 1400 का एक्चुअल था और 900 में मुझे मिला और इतना परफेक्ट मैच था। और ये मैंने जो है पहन के भी आपके साथ पिक्चर शेयर की है। और ये उसके बाद जो है मैं रेडी हो गई और मैंने क्या किया कि बिल्कुल लाइट से बालों को हल्का हल्का स्ट्रेट कर लिया था और मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे नहीं है। और ये हम घर से निकल चुके हैं, हम अपनी फ्रेंड की तरफ और अपने जो मिलने वाले हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। शाम का टाइम था, काफ़ी जो है वो मज़े का मौसम था, अच्छा मौसम था और जो है वो इस्लामाबाद की तरफ हम लोग जा रहे थे। और ये हमने जो है वो अभी हम बेकरी की तरफ आए हैं और हमने कहा कि उनके लिए कुछ भी जो है वो लेकर जाएं। और ये हम आके और हमने कहा कुछ अच्छा सा केक सेलेक्ट करते हैं। और ये सारे केक्स की वैरायटी थी, मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर की है, आप देखें। तो ये केक फाइनली हमने सेलेक्ट किया, हमें अच्छा लग रहा था और फ्रेश भी केक्स होते हैं इनके। अगर आप आस पास सराउंडिंग में हैं, पेशावर रोड पर या कहीं पर भी हैं, वेस्टरिज में हैं, तो आप इस बेकरी से चीज़ें ले सकते हैं, बहुत अच्छी फ्रेश होती हैं, रीज़नेबल भी होती हैं। और उसके बाद जो है मैं आपको केक्स दिखाऊंगी कि ये देखिए इतने क्यूट 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 केक्स थे ना, छोटे छोटे हाफ पाउंड के थे ये। तो देखिए, जैसे हम लोग फ्रेंड्स आपस में गैदरिंग करते हैं, किसी एक की बर्थडे होती है, दो तीन फ्रेंड्स होते हैं, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ये हमने केक ले लिया और मैं और हस्बैंड जो है वो बस हम उनके घर की तरफ निकल पड़े। और जो है आपको पता है कि फ्रेंड्स से मिलना चाहिए, फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, कोई ना कोई टाइम निकाल के आप लोगों को मिलना चाहिए ताकि जो है वो बैठने का एक बहाना होता है और अच्छी जो है वो आप लोगों के जो है वो कनेक्शन भी रहता है। हम लोग बहुत बहुत जो है वो लेट कर देते हैं एक दूसरे से मिलने मिलाने में, फॉर्मेलिटीज़ में पड़ जाते हैं। हमें फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ना चाहिए और मिलना चाहिए ताकि जो है वो आपका कनेक्शन जो है वो ना टूटे। और वो कोई भी हों, वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हों या आपके जो है वो रिलेटिव्स हों, तो सबसे मिलना चाहिए। और ये इस्लामाबाद की तरफ हम जा रहे हैं और इतना अच्छा मौसम था, आप यकीन करें कि बहुत ही मज़े का मौसम था और कोई वो गर्मी नहीं थी और जो है बड़ा ही मज़े का मौसम था। और उसके बाद फाइनली जो है हम उनके घर पहुंच चुके और ये हम जो है वो उनके घर आए हैं। और आप देखिएगा, मुझे इतना अच्छा अपनी फ्रेंड का घर लगा और उसने इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। और उसको पता है मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैंने उसे कहा कि मैं आपके ड्राइंग रूम की पिक्चर ले लूँ, तो उसने कहा बिल्कुल ले लें। और ये जो है उसने इतना प्यारा सा स्किन और मैरून कम्बिनेशन में उसका सोफ़ा था, साथ में ये ग्रीन कलर की चेयर थी, ये सामने पेंटिंग बहुत प्यारी थी, ये उन्होंने जो कर्टन्स थे वो शामू जी से बनवाए थे। उसके बाद जूस सर्व हुआ तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर टीवी लाउंज पर बैठ गए। हमने कहा जो मर्द हजरात है वो अपनी जो है वो बातें शेयर कर लें और बातें करें। और जो है वो इस तरह से हमने अलहदा से हम लोग बैठ गए और ये इसका टीवी लाउंज था, इसका भी कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था। और ये फिर बाद में उसने मुझे कहा कि इसकी भी पिक्चर शेयर करें, ये उसकी इतनी प्यारी सी ये ट्रे थी और ट्रे में इस तरह से था और टीवी लाउंज इस तरह से था। और जो है ये अभी हमारी जो है वो चाय सर्व हुई और हमने जो है वो खूब मज़े से जो है वो खाया पिया और गपशप की। और ये जो थे भाई और मेरे हस्बैंड जो थे वो आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे। और फिर उसके बाद क्या किया कि हमने अपनी जो है वो ट्रे, अपनी चीज़ें ली और हम टीवी लाउंज में बैठे। मैंने फिर उसके बाद फ्रूट चाट इन्जॉय की। उसके बाद क्या हुआ कि चाय आई, चाय हमने पी और उसके बाद जब हम थोड़ी देर में हमने कहा कि अब बस अभी निकलेंगे अपने घर की तरफ। और ये देखिए, ये इतनी प्यारी इसकी वॉल हैंगिंग थी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा अपनी फ्रेंड से कि मैं इसकी पिक्चर
पिक्चर ले लूँ, वीडियो बना लूँ, उसने कहा ज़रूर। तो ये उसने लिबर्टी मार्केट से लिया था, उसने कहा, मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ। उसके बाद हमने ड्रेसेस के जो उसने ईद पे ड्रेसेस पहने थे वो हमने शेयर किए, और बहुत ही खूबसूरत ये ईलान का एक ड्रेस था, और इससे साथ में जो है वो पर्पल कलर का वो भी ईलान का था, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे, और ये बड़ी प्यारी स्टिचिंग थी, ये उसने ख़ुद स्टिचिंग करवाई हुई थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि जो है वो एक आइडिया सा हो जाता है। और उसके बाद बस थोड़ी देर बाद हम सारे फिर बैठे, हमने दोबारा से गपशप लगाई और बस फिर उनको खुदाफिज़ कहा, और जो है वो हम अपने घर की तरफ आ चुके। रात के 10:30 बज चुके थे और हमने बहुत इन्जॉय किया, और यकीन करें कि ऐसी मज़े की चिटचैट थी, हमने जो है वो गप्पे लगाई और फिर हम घर की तरफ आ गए। तो आप लोग भी अपने जो है टाइम निकाल के फैमिली फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से मिला करें, अपना जो है वो कनेक्शन को बहाल रखा करें ताकि जो है वो कनेक्शन ना टूटने पाए। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आप लोगों को पसंद आया, और अगर बहुत थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ मज़े की वीडियोज़ शेयर करूँगी, शॉपिंग की, खाने पीने की, और भी बहुत तरह के व्लॉग्स। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।